आप ही, अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो परमिशन ली थी सिर्फ एक दिन की टीचर से, कल ये मुझे लाजमी सबमिट करवाना, ये खराब हो गए अब। किरत, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया था कि इंक पेन मत यूज करो, बॉल पेन यूज किया करो। अगर बॉल पेन यूज करती तो ये खराब ना होते ना। आप ही, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम इंक पेन यूज किया हो। मैं हमेशा इंक पेन यूज करती हूँ, मेरी राइटिंग इंक पेन से अच्छी होती है। अच्छा, अब तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ करवा दूंगी काम। आज अगर हमारे अम्मी अबू जिंदा होते ना तो सब हमारी साइड लेते, बजिया की हिम्मत ना होती मेरे साथ इस तरह करने की। मामू जान और नानी जान ने डांटा था ना वजिया को, और मुमानी जान ने कितना बड़ा तमाशा किया, हम ही बुरे बन गए। किरात, मुमानी जान वजिया की माँ है और वजिया मुमानी जान की बेटी है। लेकिन आप ही, अम्मी कभी भी हमारी गलत बात पे हिमायत नहीं करती थी, वजिया इसीलिए इतनी बदतमीज है। अच्छा तुम इसे छोड़ो, बुक्स निकालो, हम नोट्स बना लेते हैं, सुबह तक बन जाएंगे। इतनी देर में कंप्लीट हुए थे, इतनी मेहनत की थी, इतनी मुश्किल से बनाए थे मैंने। जो हो गया उसे भूल जाओ, चलो नोट्स बनाते हैं, मिलकर बनाएंगे ना, जल्दी बन जाएंगे। वैसे तुम बहुत तेज हो भैया, सिचुएशन को किस तरह चेंज किया तुमने, कमाल है यार। मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंक तुमने ना गिराई है। तुम्हें नहीं गिराई है ना? हाँ भजिया, बताओ ना। नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ, साफ झूठ। हाँ अगर मैंने गिराई भी है तो क्या, मैं पकड़ी तो नहीं गई। कितनी बड़ी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मेहनत से किरत ने काम किया होगा। किसी की भी मेहनत हो उसे इस तरह जाया करना बुरी बात है। फहद प्लीज, ठीक है, उनकी हिमायत करना बंद कर दो, वो भी कम नहीं है। रहने दो, जो गलत है वो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर यही काम कोई हमारे साथ करे तो? हमारे अम्मा अब्बा ने भागकर शादी नहीं की थी जो सब हमें भुगतना पड़े, राइट? काश हमारे पेरेंट्स ने भी भागकर शादी की होती, खुश तो हैपनिंग होती, बहुत बोर थे। खैर ऐसे कामों के लिए बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है। फहद, ओह प्लीज आशिर, ये अपने आला किस्म के ख्याल अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। वैसे वजिया, ये दोनों में बहनें कहीं भाग के तो शादी नहीं करेंगी? आ जाओ। अम्मा जी, आप सोई नहीं अभी तक? कैसे सो जाऊं बेटा, आज जो कुछ घर में हुआ उससे तबीयत बहुत मुकद्दर है। भजिया भी अपनी बच्ची है, उसकी आंखों में भी आंसू नहीं देख सकती। और शानजे और किरण, वो तो मेरी आयशा की परछाई, बस अल्लाह ताला हमें माफ करने वाला है। दो यतीमों की किफालत नहीं कर सके हम। अम्मा जी, मैं ऐसे कहता हूँ कि इनको गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देता हूँ, शानजे और किरत वहाँ इकट्ठी रह लेंगी। ये तीनों अगर एक कमरे में रहीं तो लड़ाई झगड़े रोज होते ही रहेंगे। हाँ, ऐसा करने से कम अज कम घर का माहौल तो अच्छा हो जाएगा। अम्मा जी, मैं गेस्ट रूम सुबह ही साफ करवा देता हूँ, आप फिक्र मत करें, आप अब सो जाएं। आपी, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे करो, तुम जाके रेस्ट करो, मेरी तो उंगलियों में भी दर्द हो गया, अब नहीं हो सकता मुझसे। बोल तो रही हूँ, जाओ जाके रेस्ट करो, मैं कर लूंगी।
आप ही इतने सारे टॉपिक्स पर चल, आप कैसे करेंगे अकेले? गुड़िया मैं कर लूंगी, और वैसे भी इतना टाइम हो गया, सुबह कॉलेज भी जाना है तुम्हें, रेस्ट करना जरूरी है ना, जाओ कंप्लीट कर लूंगी। नहीं आप ही, आपसे अकेले नहीं होगा। देखो कितनी नींद आ रही है तुम्हें, अंदर जाके नहीं सोना ना, मत जाओ, यहाँ सोफे पर सो जाओ, बाद में उठा दूंगी मैं पक्का। चलो शाबाश। किससे चैटिंग कर रही हो? हाँ इधर दिखाओ, वो उस दिन वाला क्या कह रहा है? बार बार मैसेज कर रहा है मुझे यार। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी भाई से शिकायत लगाऊंगी। अरे मैं कौन सा रिप्लाई कर रही हूँ उसे? डर गई तुम? अच्छा पूछो ना क्या कह रहा है। स्काइप पे चैटिंग की बात कर रहा है। तो रिप्लाई करो ना उसे, इंट्रोडक्शन पूछो, क्या करता है, कहाँ रहता है, देखो जस्ट फॉर फन दैट्स इट। पागल हो गई हो क्या? किसी को पता चल गया ना शामत आ जाएगी हम दोनों की। विमल किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अगर हम किसी को बताएंगे तब पता चलेगा ना, और वैसे भी बात करने में क्या हर्ज है, चलो चलो पूछो मजा आएगा। अच्छा बताओ क्या मैसेज लिखूं? फिर मैसेज आए, अब क्या कह रहा है? मेरा गाड़ियों का शोरूम है। वाओ गाड़ियों का शोरूम है, पूछो कहाँ है? पागल हो गई हो क्या, मरवा मत देना मुझे। एमल फॉर गॉड सेक, तुम तो ऐसे बोल रही हो इससे पहले मैंने तुम्हें ना। चलो पूछो क्या है इसका शोरूम। यार ये तो स्काइप चैटिंग के पीछे पड़ गया है। स्काइप चैटिंग गड़बड़ है। अच्छा तो तुमने क्या रिप्लाई किया? नहीं नहीं मैं नहीं कर रही, छोड़ो बस। तो बहुत ही डरपोक हो यार, कुछ नहीं होता, चलो करो। मुझे ठीक नहीं लग रहा ये करना। एमल की बच्ची सही है, चलो करो। ले भाई असाइनमेंट तो हो गई कंप्लीट, और ये कर दिया मैंने सेव, काम खत्म। हेलो ओ भाई, बात काम हो गया तेरा? हाँ हो गया, शुक्र है यार, अजाब हो गया था ये मेरे लिए। चल आजा कैरम खेलते हैं। ओ भाई रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, सो जा। बड़ा मतलब है यार तू, लेकिन मैं तेरा काम कर रहा था उस वक्त, ठीक था उस वक्त, रात नहीं थी, और अब कैरम खेलने के लिए कह रहा हूँ तो रात हो गई है ना। मुझे तो सोने दो भाई, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। यार मैं नहीं सो सकता, दो कप कॉफी के पी चुका हूँ, नींद नहीं आ रही मुझे। माफ कर भाई, सो जाओ और मुझे भी सोने जाओ। तेरे लिए कॉफी लाऊं? भी तुझे बताया है, पागल तो नहीं है भाई? लाइट बंद करके जाना। आप अभी तक सोए नहीं? जी नहीं, वो किरत के नोट्स बना रही हूँ। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? नहीं नहीं थैंक यू, मैं कर लूंगी। करता हूँ ना, बेसिकली मुझे नींद नहीं आ रही, चले इसी बहाने हेल्प हो जाएगी। बताएं क्या करना है?
तो आज रात का खाना भी नहीं खाया था। अच्छा चले फिर मैं लेकर आता हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी। नहीं नहीं ऐसा करती हूँ मैं लेकर आती हूँ। अरे मैंने कहा ना आप बैठे, मैं ले आता हूँ। लेकिन आप एक्चुअली क्या है ना मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, कम लिखूंगा यही अच्छी बात है। आप बैठे मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं आप बैठे मैं ले आती हूँ। क्या कर रही हैं आप? वो तो सो नहीं रही, दूसरों को भी सोने नहीं दे रही। सोने दे उसे, आप बैठे मैं लेकर आता हूँ ठीक है। ये लें जी, गर्मा गर्म चावल, एक ही प्लेट में लिया इसलिए इसी में ले आया, बाकी शायद धोने वाली थी। खाएं? नहीं थैंक यू, आप खाइए मैं बाद में खा लूंगी। आर यू श्योर? जी। ये क्या हो रहा है? अंकल आप सोए नहीं अभी तक? नहीं मगर तुम क्यों नहीं सोए? और शांजे बेटा तुम क्या कर रही हो? जी वो मामूजन वो मैं किरत के नोट्स बना रही थी। किरत भी काम करते करते सो गई, खाना भी नहीं खाया उसने। बेटा पहले कुछ खा लो। अंकल मैं भी नहीं यही कह रहा हूँ कि खाना खा लें, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन ये मान ही नहीं रही इसलिए जबरदस्ती खिला रहा हूँ। बेटा पहले कुछ खाओ फिर काम कर लेना। चले मैं दूसरी प्लेट लेकर आता हूँ। बेटा ये सब कुछ छोड़ो तुम और खाना खा लो और किरत को भी उठाओ। जी जी मामूजान। किरत 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 उठ जाओ।
तूने मुंह धो लिया तो नाश्ता ले आऊं? हाँ मैं धो लिया, लगाओ नाश्ता। अम्मी बहुत अच्छा काम लगाया हाथ में, मोटर एक्सचेंज का काम है, बस दुआ करो कि बात बन जाए। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरा बेटा किसी काम में हाथ डाले और वो हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मी अब बात बन गई ना तो 30,000 रुपया रोज का कहीं नहीं गया। हाय अल्लाह 30,000? ये तो कम से कम बता रहा हूँ, 40-50 का भी हो सकता है, बस पार्टी खेलने की बात। अम्मी हमारे काम में बहुत फायदा है, लाखों कमाए जा सकते हैं, लेकिन बस दुकान अपनी होनी चाहिए। मेरी तो दुआ है कि मेरा बेटा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अम्मी तुम शांजे की नानी को फोन करो और उनको कहो कि दुकान में अब्बा का भी पैसा लगा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने, मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया, आज ही बात करती हूँ उनकी नानी से। अम्मी कभी तो फायदे की बात सोच लिया करो, वैसे बड़ा दिमाग चलता है तुम्हारा। देख लो अम्मी, अब्बा ने उस वक्त जो पैसे दिए थे आज कितने काम आ रहे हैं। तुम तो उस वक्त उनको मना करी थी कि पैसे ना दो। ये बात तो है, वैसे तेरे अब्बा मरहूम थे बड़े दूरंदेश। यही तो फर्क है औरत और मर्द की सोच में। चुप कर, नाश्ता लाती हूँ। बेटा ऐसा करो कि तुम भी वजिया और आशिर के साथ चली जाओ, दिल बहल जाएगा। अरे वाह अम्मा जी, क्या आइडिया दिया आपने, तो फिर चलें? नहीं मैं घर में ठीक हूँ, आप लोग चाहिए। लगता है आपको घर से ज्यादा मोहब्बत है, घर वालों से नहीं, इसीलिए किसी का ख्याल नहीं आपको। सुल्तान आप समझ नहीं रहे, माशाल्लाह से दोनों जवान बच्चे हैं, उनके अपने खर्चे भी हजारों हैं, और कल कलांक उनकी शादियां भी तो करनी है, कहां से करेंगे हम इतने खर्चे। अल्लाह सब कुछ कर देगा। किरत जल्दी आओ, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आओ जल्दी आओ, ये लो। अच्छा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वो गेस्ट रूम मैंने तुम दोनों के लिए सफा करवा दिया, वो अपना सामान जो उसी में रखा, ठीक है? आज से तुम दोनों वहीं पर शिफ्ट हो। थैंक यू सो मच मामू जान, आपको पता है इससे वजीहा भी अब डिस्टर्ब नहीं होगी। क्या हुआ पापा, इन दोनों ने फिर से मेरी शिकायत की आपसे क्या? बिलीव मी, मैं तो खुद इन लोगों के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। बताओ। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं बल्कि ये चाहता हूँ कि घर में कोई बदमजगी ना हो, इसलिए मैं इनको शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी पापा। चले चले बेटा। मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंक तुमने ना गिराई, तुम्हें नहीं गिराई है। कितनी बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मेहनत से किरत ने काम किया था। एमल क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, आपका भाई। जब तुम किसी गहरी सोच में गुम थी, क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रही हो मुझे। अम्मी मैं फहद की वजह से बहुत परेशान हूँ। फहद की वजह से? मगर क्यों, क्या बात हुई है कोई तुम्हारी उससे, नाराज हो गया क्या? नाराजगी तो वहां होती है जहाँ दोस्ती हो, जहाँ प्यार हो। फहद की और मेरे दरमियान तो कोई रिश्ता ऐसा है ही नहीं जहाँ वो मुझसे नाराज हो या मैं उससे नाराज हूँ।
लेकिन फिर भी मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। कौन सी बात? मुझे लगता है अम्मी फहद किरत को पसंद करते हैं। कैसी बात कर रही हो तुम, होश में तो हो? जी अम्मी, देखे ना फहद किरत की कितनी तरफदारी कर रहा था, उसे किरत की गलती नजर ही नहीं आ रही थी। किरत ने उसकी बहन के साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो किरत की साइड ले रहा था। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन इसमें फहद की कोई गलती नहीं है। वो लड़कियां इतनी तेज है ना, फहद तो बिल्कुल मासूम और शरीफ सा बच्चा है, उन लड़कियों की चलाकियां नहीं समझ पा रहा। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो। थैंक गॉड, वैसे कितने दिनों के बाद मुझे अपना ये रूम अपना सा लग रहा है। वरना उन दोनों के यहाँ रहने से तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और के रूम में रह रही हूँ। प्रेम, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ये खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन किसके साथ? आशिर के साथ। आशिर को बताती हूँ। हेलो। गेस व्हाट, मैं तुम्हें क्या बताने वाली। वैसे ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इतनी खुश लग रही हो? तो फिर सुनो, मेरी शान से और किरत से जान छूट गई। जानते हो पापा ने उन्हें गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया, तो मैंने सोचा मैं अपनी खुशी किसके साथ सेलिब्रेट करूं, तो मेरे जहन में पहला नाम तुम्हारा। आई कॉल यू। अच्छा, तो तुम इस बात पर खुश हो? हाँ हाँ आशिर, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं कह रही थी कि चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। अच्छा, नवाजिश है आपकी। खैर भैया, कितनी बुरी बात है, दोनों इतनी अच्छी लड़कियां हैं, उनको निकाल कर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कहा तुमने? मैंने उनको अपने रूम से नहीं निकाला, और तुम बोल रहे हो कि वो अच्छी लड़की है। हाँ अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है ना। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, फिर से बोलना जरा। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने सुना ही नहीं। खैर ऐसा करता हूँ, एमल को भी ले आता हूँ, तीनों चलते हैं। हाँ आशिर, अब आई मीन एमल को क्यों लेके जा रहे हो? क्यों? अब वो मेरा मतलब ये है ना कि उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, उसे पढ़ना होगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम दोनों ही चलते हैं ना। हाँ चलो ठीक है। ओके चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। तुझे क्या हुआ है? तू क्यों मुंह लटका के बैठा है? पूरे 40,000 रुपए का फायदा हुआ है और उस्ताद ने सिर्फ ये 3,000 रुपए दिए हैं। मैं तो सोच रहा था कि वापस कर दूं उसी वक्त, मुझे नहीं चाहिए किसी की भीख भीख। आय हाय, ऐसा क्यों किया उसने? उस्ताद है वो, मेरा मालिक है पूरी दुकान का, सारी की सारी मेहनत मेरी, तो 40,000 रुपए पर भी तो मेरा हक था ना। लेकिन सारे के सारे उसने सिर्फ इसलिए रख लिए क्योंकि दुकान उसकी है। यही नुकसान होता है किसी के पास नौकरी करने का। तौबा तौबा, क्या लूट मची हुई है? आज कुछ पैसे जोड़े होते तो अपनी दुकान कर लेता। क्या कहना चाह रहा है तू? मैं कहना चाह रहा हूँ कि शानसे के बारे में सोचो, दो दुकानें हैं उनके पास और मुझे नहीं लगता कि उनकी मुमानी उनके साथ खुश है। उन्हें शीशे में उतारो। कैसे उतारूं शीशे में, क्या करूं मैं? तुम बस इतना करो कि शानजे की नानी को फोन करो और उनको कहो कि उनकी दुकानों में हमारा भी हिस्सा है। बड़ा सुकून मिल रहा है बेटा। जीती रहो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आपको पता है मैं अम्मी का भी ऐसे ही सर दबाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक बेटा, अल्लाह का करम। और आप कैसी हैं? जी ठीक हूँ। ये वजिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही, मुझे बुलाकर खुद गायब हो गई। यही कहीं होगी, कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मा जी, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। अच्छा चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नानी जान मैं जाऊं? बेटा ऐसा करो कि तुम भी वजिया और आशिर के साथ चली जाओ, दिल बहल जाएगा। अरे वाह अम्मा जी, क्या आइडिया दिया आपने, तो फिर चलें? नहीं मैं घर में ठीक हूँ, आप लोग चाहिए। लगता है आपको घर से ज्यादा मोहब्बत है, घर वालों से नहीं, इसीलिए किसी का ख्याल नहीं आपको। ये किसका फोन आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बात कर रही हूँ जमीला। जमीला कौन? मैंने पहचाना नहीं। शांजे और किरक की पुप्पो, अब पहचाना आपने? अच्छा अच्छा जी जी जी, बोलिए, खैरियत? कैसे फोन किया? सुल्तान भाई आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। जी कहिए। सुल्तान भाई, उन दुकानों पर सिर्फ उन बच्चियों का हक नहीं है, अरे फरहान के अब्बा ने भी उन दुकानों पर पैसे लगाए थे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? उन दुकानों पर किरत और शांजे के साथ साथ हमारा भी हक है। सर मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता इस वक्त। क्या मतलब है आपका, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था, मैं बच्चियों से बात करके तो आपको बताता हूँ। इतनी आसानी से ये दुकानें हाथ से जाने तो नहीं दूंगी। कौन सा ड्रेस पहनूं? नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, आज सिर्फ मैं और आशिर होंगे। मुझे बहुत अच्छा ड्रेस है, इतना अच्छा ड्रेसअप कि उसकी नजरें मुझसे हटे ही ना। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे भी नहीं पता था, शांति की पुप्पो का फोन आया था, उनसे पता चला है मुझे। अब क्या होगा, एक दुकानों का ही तो आसरा था, अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र क्यों कर रही हो जाएगा, जैसे हमारे बच्चे पल रहे हैं वैसे ये बच्चे हैं। सुल्तान आप समझ नहीं रहे, माशाल्लाह से दोनों जवान बच्चे हैं, उनके अपने खर्चे भी हजारों हैं, और कल कलां को उनकी शादियां भी तो करनी है, कहां से करेंगे हम इतने खर्चे? अल्लाह सब कुछ कर देगा, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आ जाओ बेटा। सलाम अलैकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी वो जमीला का फोन आया था, वो कह रही थी कि बच्चियों की दुकानों में उसका भी हिस्सा है। ऐसा कैसे हो सकता है सुल्तान, अगर ऐसा होता तो बच्चियां हमसे जिक्र करती। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसी कोई बात होती तो जमीला हमें कभी किराया ना लेने देती, गड़बड़ लग रही। मुझे पहले ही शक था जमीला की नीयत ठीक नहीं है, वो इन बच्चियों का हक मारने की कोशिश कर रही है। जमीला की नीयत तो उसी दिन वाजे हो गई थी जिस दिन उसने दोनों बच्चियों के इस घर में भेज दिया था ना। या तो अपने भाई के खून को अपने सीने से लगा कर रखती है। ठीक कहते हो,
जब दिलों में ही मोहब्बत ना हो तो खूनी रिश्ते भी बेमानी हो जाते हैं। आयशा और सलमान ने जमीला के बेवा होने के बाद हमेशा उसका साथ दिया, मगर जब इन बच्चियों का वक्त आया है तो जमीला ने आंखें फेर ली। तुम छोड़ो इस बात को, जो जैसा करेगा उसका सिला उसे कयामत के दिन जरूर मिलेगा। जरा तुम पता तो लगाओ कि हकीकत क्या है। ठीक है माँ जी, मैं वकील से पता करता हूँ, वही बताएगा कि हकीकत क्या है। और एक बार शामजे से भी पूछ लेते। हाँ ठीक है, जो बेहतर समझो वो करो। लोगों में खौफे खुदा रहा ही नहीं, यतीम बच्चियों का हक मारते। अभी आप फिक्र मत करें, मैं पता करता हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। आइसक्रीम बहुत मजे की है, तुम भी खाओ ना, लो टेस्ट करके देखो। अभी किसकी कॉल आ गई है? तुम्हारे दोस्तों को भी ना बिल्कुल सुकून नहीं है। सुकून तो मुझे भी नहीं है। एक मिनट। हेलो। हाँ यार, मुझे नहीं पता, ये तुम लोगों की डील थी, ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने तुम लोगों को मना भी किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। एक तो तुम लोगों को भी ना हर चीज अर्जेंट करनी होती है, अब इतनी जल्दी दूसरा क्लाइंट मैं कहाँ से लेकर आऊँ। हेलो, आप आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे, आप बोलो। यार ब्रोकर से झगड़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम ऐसा करो मुझे कोड सेंड करो, मैं देखता हूँ। आशिर तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही, प्लीज इसे खा लो पहले, फोन रखो। हाँ एक मिनट यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। हेलो, क्या यार मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाहर निकल के बात करता हूँ। हाँ हाँ लाइन पर। आशिर सुल्तान बेटा, जरा ध्यान से देख लेना। अरे तुम वजीहा लोगों के साथ नहीं गई? नहीं नानी जान, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था इसीलिए मैं नहीं गई। बेटा वो तुम आराम कर लेती, ये दवा लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं मामू जान, अब मैं ठीक हूँ। शान से बेटा, वो तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था, दुकानों में अपना हिस्सा मांग रही थी। फुप्पो का हिस्सा? बेटा वो कह रही थी कि दुकानों में उनका भी पैसा लगा है और इसलिए वो उसमें बराबर की हिस्सेदार है। इस बारे में कुछ इल्म है? नहीं मामू जान, जहां तक मुझे पता है वो दुकानें अबू की हैं। जमीला गलत बयानी से काम ले रही है, वो क्या समझती है बच्चियों के कोई आगे पीछे नहीं, जैसा वो चाहती है वैसा हो जाएगा। मैं अभी जिंदा हूं, मेरे जीते जी बच्चियों का हक कोई नहीं खा सकता। मामू जान अगर वो कह रही है तो फिर आप इनमें से एक दुकान उन्हें दे दीजिए। नहीं बेटा, पहले मुझे पता कर लेने दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अगर सब कुछ अपनी फुफ्फो को ही देना था, खुद भी वहीं रह जाती, हमारे सर पर आकर क्यों बैठ गई? लगता है सुल्तान से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
माँ बाप के जाने के बाद शान के साथ क्या कुछ नहीं होता। ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जिसका जो दिल चाहता है कह देते हैं। पप्पो को दुकान भी देनी पड़ेगी। मैं अपने हिस्से वाली दुकान पप्पो को दे दूंगी। अपने साथ तो ज्यादा बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन किरत के साथ में कोई ज्यादा नहीं होने दूंगी। मम्मी अबू नहीं है तो क्या, मैं तो हूं किरत के लिए। वैसे इतनी बुरी भी नहीं होती क्या? अरे भाई आइसक्रीम और क्या। मुझे दूसरों के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। वेल, दूसरा कौन? ठीक हो, लेकिन यहाँ पे अचानक हालात खराब हो गए। अभी कुछ देर पहले फायरिंग की भी आवाज आई थी। प्लीज किरत तुम रो मत, हमारे तुम्हें लेने सर रखो। इन हालात में आपने आशिर और फहद को बाहर जाने क्यों दिया? अम्मा जी के सामने कौन बोल सकता है? जो वो कह देती हैं वो होकर रहता है, और फहद के लिए अम्मा जी की बात हुक्म का दर्जा रखती है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वैसे तो अम्मा जी बड़ी अक्लमंद बनती है, उन्हें मालूम नहीं था कि बाहर हालात ठीक नहीं, नहीं भेजना चाहिए था उनको। शानजे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो नानी जान। अम्मा जी हम। तुम चुप रहो, मैं शानजे से पूछ रही हूँ। अरे नानी जान कुछ नहीं, हम तो लंच करने गए थे।